नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में अर्चना शर्मा मैडम हैं, जो कि वर्ल्ड की एकमात्र थॉट टेक्नोलॉजिस्ट हैं और पिछले 3-4 सालों से हैप्पीनेस को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। आपने रोशिया ब्लिस के नाम से एक कंपनी भी बनाई है जो पूरे ऑल इंडिया में काम कर रही है। मैडम, आप अपने बारे में बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आप इस क्षेत्र में आए और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? एक्चुअली बाय प्रोफेशन मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और लगभग 11 साल मैंने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ाया है। एक स्टेज पर आकर के मुझे फील हुआ कि कहीं कुछ एक बहुत बड़ा मिसिंग गैप है हमारे समाज में, उसको पूरा किया जाना चाहिए। तो उस उद्देश्य के साथ में मैंने अपनी ये कंपनी शुरू की आज से 3 साल पहले और ये काम शुरू किया हैप्पीनेस पर। तो ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं लोगों को अच्छा सोचना सिखाऊं। कारण था कि हमें बचपन से पढ़ना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, हमें खेलना सिखाते हैं, हमें ड्रेसअप होना सिखाते हैं, पर हमें कभी भी सोचना नहीं सिखाते हैं। तो मैंने इस काम को एक चैलेंज की तरह लिया और आज मैं ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर बहुत कम लोगों ने चलने की कोशिश की है और मैं इसके लिए एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ जो काफ़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए भी। तो ये मेरा काम है, हैप्पीनेस और पॉजिटिव थिंकिंग, लोगों को आर्ट ऑफ थिंकिंग सिखाना, लोगों को सही तरीका सिखाना सोचने का। आप एक काफ़ी यूनिक आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ इंडिया में इतना फेमस नहीं हो पाया होगा आपका आइडिया। आपको इनिशियली लोग समझ नहीं पाए होंगे, उनको बहुत ही नया सब्जेक्ट लगा होगा और चूंकि यहाँ पर इतना इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है इंडिया में, तो आपको कहीं ना कहीं असफलता का भी आपने सामना किया होगा, कुछ उतार चढ़ाव भी आए होंगे, तो आपने इन चीज़ों को कैसे फेस किया? जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर बहुत कम लोग चले हैं अभी तक और इसका कोई मार्केट या कोई एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ है ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया कि जब मैं किसी को बोलती थी कि हम लोगों को सोचना सिखाते हैं तो बड़ा आश्चर्य करते थे लोग, अरे ये भी कोई सीखने वाली बात है, ये भी कोई सिखाने वाली बात है, ये तो नेचुरल सी प्रोसेस है कि अपने आप ही हम सोचते हैं, थॉट्स तो अपने आप ही आते हैं। तो वहाँ फिर मैंने लोगों को समझाना शुरू किया कि देखिए, सोचना एक नेचुरल प्रोसेस है लेकिन अच्छा सोचना नेचुरल नहीं है। अच्छा सोचने के लिए हमको सीखना पड़ेगा, उसकी एक प्रोसेस होती है, उसकी ट्रिक्स होती हैं, तो वो हम लोगों को सिखाते हैं और कैसे इसका प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है वो हम लोगों को बताते हैं। इसमें मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रहे जहाँ पर बहुत हाईली एजुकेटेड लोग, जब मैं उनके पास जाती थी, मिलती थी, इस काम को उन्हें बताती थी, तो बोलते थे कि पॉजिटिव थिंकिंग का एज सच कोई स्कोप नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। तो ये इन समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा जहाँ मुझे लोगों को ये समझाना पड़ा कि ये भी सीखने वाली चीज़ होती है, इसको हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं और ना ही हमको लेना चाहिए। यही कारण रहा कि पिछले 3 सालों में हमको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है लेकिन अब हमको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। और चूंकि मैं खुद एक IT बैकग्राउंड से हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मास्टर्स मैंने किया है, मैं अगर कोई IT कंपनी स्टार्ट करती तो बहुत सफल हो जाती शायद अभी तक। ये भी मुझे रिकॉग्निशन दे रही है फील्ड, थोड़ा सा यूनिक काम है, थोड़ा सा अलग काम है, अब लोगों को समझ में आ रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है और आगे भी मुझे लगता है कि हमें बहुत सफलता मिलने वाली है। जैसा कि आपने बताया कि हैप्पीनेस एक बहुत बड़ा विषय है और गवर्नमेंट का भी इसने ध्यान आकर्षित किया और इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने की वजह से मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो पिछली सरकार थी, शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने आनंद मंत्रालय की स्थापना करी थी। हैप्पीनेस मिनिस्ट्री उन्होंने 2015 में फॉर्म की थी और बहुत ही जोश के साथ उन्होंने हैप्पीनेस के ऊपर काम स्टार्ट किया था। कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट भी, प्रपोजल भी बुलवाए थे।
तो क्या जो गवर्नमेंट अभी हैप्पीनेस को बढ़ावा देने के लिए जो एफर्ट कर रही है वो सफिशियंट है क्या? आपका क्या व्यू है इसके बारे में? देखिए, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है हैप्पीनेस मिनिस्ट्री को लॉन्च करके। ये हमारे देश की पहली हैप्पीनेस मिनिस्ट्री है जो कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है। और अगर हम आज दूसरे देशों की बात करें, अगर आज हम एक्चुअली हैप्पीनेस के मुद्दे पे बात करें, तो आप कभी देखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो हर साल रिलीज होती है, जिसमें लगभग लगभग 155 156 देश पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आप कभी सोचिएगा और देखिएगा कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, हमारा देश कहाँ स्टैंड करता है। अगर आप देखें तो पिछले 3 साल से हमारा देश गिरता चला जा रहा है इंडेक्स में, उसकी पोजीशन कम होती जा रही है पिछले 3 सालों से कंटिन्यूस, और आज हम खड़े हैं 156 में से 133वें नंबर पे, जो कि बहुत पुअर पोजीशन है हैप्पीनेस के मामले में। तो सरकार ने अगर ये कदम उठाया है हैप्पीनेस मिनिस्ट्री का, ये बहुत सराहनीय कदम है, और मैं कहती हूँ कि इस पर बहुत काम किया जाना है क्योंकि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। और मेरा सबसे पहला जो इसमें इंटेंशन रहेगा सरकार के लिए कि आप एक सब्जेक्ट सभी जगह लॉन्च करिए। हमारे स्कूल के बच्चों को बचपन से ही, राइट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, हैप्पी कैसे रहा जाए, आर्ट ऑफ थिंकिंग सिखाना शुरू करिए। कॉलेज में एक सब्जेक्ट बनाइए। अगर हम हार्वर्ड की बात करें, जो कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जिसकी पोजीशन है वर्ल्ड में, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। तो ये काम हम भी कर सकते हैं। दूसरे देशों में हैप्पीनेस पे ऑलरेडी बहुत काम हुआ है, हम लोग पीछे हैं, अब हमें काम करना है। अभी बातचीत में आपने बताया कि आपकी कंपनी जो है वो आर्ट ऑफ थिंकिंग के ऊपर भी काम कर रही है। मुझे ये बहुत नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि हमने आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सुना, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी चल रहे हैं, तो ये आर्ट ऑफ थिंकिंग एग्जैक्टली क्या है, और आपके कहाँ कहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं, और क्या उनका आउटपुट रहा प्रोग्राम्स का? देखिए, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की, लोगों को अच्छा सोचना सिखाएंगे इस कॉन्सेप्ट पर, इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि आज अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, कॉलेजेस में बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, एटीट्यूड बिल्डिंग हम स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, बहुत सी चीज़ें हम सिखाएंगे, हाउ टू ड्रेस अप हम उनको सिखाएंगे। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब चीज़ों की जड़ कहाँ है? इसकी जड़ है हमारी सोच में, हमारी जो रूट है, दैट इज आवर थिंकिंग। तो थिंकिंग प्रोसेस हमें कभी सिखाई नहीं गई है, वो तो हम ऑलरेडी फॉर ग्रांटेड लेकर के चलते थे। आर्ट ऑफ लिविंग का, जैसे आपने कहा, वो तो एक बहुत ही, इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली, एंड वो लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और कोर्सेज कराते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ थिंकिंग में जो एक माइनर सा मैं डिफरेंस आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि हम जड़ से शुरुआत कर रहे हैं। किसी भी पेड़ पर सीधा आप ब्रांच पर जाएं, किसी डाली पर जाएं, फूल पर जाएं, टॉप पर जाएं, नहीं, हम जड़ से शुरुआत कर रहे हैं, और उसको हमने नाम दिया है आर्ट ऑफ थिंकिंग। हमारे समाज में चाहे क्राइम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, चैलेंजेस हो, सारी की सारी चीज़ें हमारी सोच से जुड़ी हुई हैं, तो क्यों ना हम अपनी सोच से शुरुआत करें। आज हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में चल रहे हैं। हमारे प्रोग्राम्स कॉरपोरेट में होते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जिसमें बैंक्स आते हैं, हम इंडियन आर्मी में भी अपने प्रोग्राम देते हैं, हम इनकम टैक्स ऑफिसर्स में प्रोग्राम देते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में देते हैं, हम लोग स्कूल्स में देते हैं, एजुकेशन में देते हैं, बहुत सारी जगहों पर हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो इतनी जगह पर, इंक्लूडिंग जेल, मैंने जेल में भी प्रोग्राम्स दिए हैं। तो इतनी अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में प्रोग्राम देने के बाद मुझे ये समझ में आया, जहाँ पर एक तरफ आप पुलिस वालों को पॉजिटिव थिंकिंग पर प्रोग्राम दे रहे हैं, वहीं आप दूसरी तरफ जेल के अंदर बंद लोगों को दे रहे हैं। तो ये जो जर्नी रही, इसमें मुझे ये क्लियर समझ में आया कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है, और आगे मैं इसका बहुत अच्छा स्कोप देखती हूँ। वुमन एम्पावरमेंट एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत सारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, भारत में तो इसका एक बाकायदा मंत्रालय भी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसके बावजूद भी यहाँ पर देखा जाए तो वुमन एम्पावरमेंट नहीं हो पाया है अभी भी। हालांकि कई फेमिनिस्ट लोग इस पे जो है ऑलरेडी वर्क भी हो रहा है,
तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, और आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्या उससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट, एक्चुअली मैं तो ये बोलती हूँ कि हम सभी को एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, हमारे प्रोग्राम्स तो सभी के लिए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, तो आज अगर हम महिला दिवस से ही शुरुआत करें, एक हमारा जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो एक दिन किया जाता है, और मैं बोलती हूँ कि ठीक है, सेलिब्रेशन के लिए एक दिन ठीक है, लेकिन पूरे साल भर क्यों ना हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाएं। केवल एक दिन के लिए उनको फेलिसिटेट कर देने से हम एम्पावर नहीं होने वाले हैं, हमको पूरे साल भर की एक तैयारी रखनी पड़ेगी। और इसमें वेमेन को आगे बढ़ाने के लिए ना सिर्फ वो मेन आगे आए, बल्कि खुद वेमेन भी आगे आए। जो वेमेन ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में, वो अपने जैसे और क्लोन्स तैयार करें, अपनी जैसी और महिलाएं तैयार करें, और उनको पुश करें कि वो भी आगे कुछ कर पाएं। तो वेमेन एम्पावरमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ आदमियों पर नहीं है, बल्कि महिलाओं पर भी है, ऐसा मेरा मानना है। और वुमेन एम्पावरमेंट पर जितना काम हमारे देश में हो रहा है, जिस स्पीड से हो रहा है, इट्स वेरी गुड, मतलब देखकर बहुत अच्छा लगता है। आज महिलाओं को इतना सम्मान मिलता है, महिलाओं को इतना पूछा जाता है, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, और ये हमारे देश को बहुत आगे लेकर जाएगा, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें तो वहाँ पर भी महिलाओं का बहुत अच्छा स्थान है। तो मैं भी बहुत अच्छा फ्यूचर देखती हूँ अपनी कंट्री का इसमें। आपकी संस्था के आगे के क्या प्लान है? अभी आपने बताया कि आप राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, और क्या आप इसको एक्सटेंड करेंगे भविष्य में, और आप अपने अपने काम को कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? अभी हम लोग नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स पैन इंडिया हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में होते हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों में होते हैं। हम अपने प्रोग्राम्स के पहले लोगों की समस्याओं को समझते हैं कि उनकी जो वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स हैं या उनकी जो पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ तक हैं, और हम अपने प्रोग्राम्स के थ्रू उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग बहुत जल्द इंटरनेशनली अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रहे हैं, हम एशिया से स्टार्टिंग का, एशिया की दूसरी कंट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। और मेरा अनुभव ये कहता है कि मैंने जब भी अपने प्रोग्राम्स की बात बाहर के लोगों से की है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उनका जो इंटरेस्ट लेवल होता है आर्ट ऑफ थिंकिंग के प्रोग्राम्स को लेकर के, वो हमारे देश के लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि बाहर मुझे बहुत सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा अनुभव है, और हम बहुत जल्दी एशियन कंट्रीज में लॉन्च होंगे, और उसके आगे भी हम जाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपकी संस्था थॉट टेक्नोलॉजी के ऊपर लंबे समय से काम कर रही है, जो कि एक नया विषय है, तो ये थॉट टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, और क्या काम एग्जैक्टली आप कर रहे हैं? देखिए, थॉट टेक्नोलॉजी एक्चुअली ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपके थॉट्स से इनपुट लेकर के काम करती हैं। इसके मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों ने ड्रोन देखा होगा, हमारे यहाँ जनरली शादियों में ड्रोन देखे जाते हैं, जिनको हम अपने हाथ में एक रिमोट लेते हैं और उससे प्ले करते हैं, उड़ाते हैं उसको। तो आने वाले टाइम में हम अपने विचारों से टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर पाएंगे, उसको हम थॉट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ऐसा ड्रोन भी बन गया है, रशियन साइंटिस्ट ने इतने बनाया है, जो सिर्फ सोचती है और ड्रोन उसके सोच के हिसाब से काम करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग उसने प्रोजेक्ट तैयार किया है। ऐसे ही अगर आज हम मोबाइल्स और लैपटॉप की बात करें, तो हमें कुछ भी इनपुट देना होता है तो हम कीबोर्ड पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो आने वाले टाइम में आपके थॉट्स एज एन इनपुट इन डिवाइसेस में दिए जाएंगे, यानी आपके मोबाइल, आपका लैपटॉप आने वाले टाइम में आपके थॉट्स के बेसिस पर काम करेगा, आप सोचेंगे और वो काम करेगा। हम ऐसे टाइम में एंटर होने वाले हैं, ये हमारा भविष्य है थॉट टेक्नोलॉजी। और हमारी जो कंपनी है, हमारे उसमें दो वर्टिकल्स हैं। एक वर्टिकल में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ऐसी और थॉट टेक्नोलॉजी डिवाइसेस बनाने पर, और दूसरा वर्टिकल है हमारा जिसमें हम आर्ट ऑफ थिंकिंग के प्रोग्राम्स देते हैं। जब तक हमारे पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना आ जाए जिसे हम यूज़ करें, अपनी अपनी बॉडी में कनेक्ट करें और हम एकदम से पॉजिटिव हो जाएं, तब तक आपको आर्ट ऑफ थिंकिंग सीखनी चाहिए और उसके थ्रू आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना चाहिए। आज घमासान के स्टूडियो में अर्चना शर्मा मैडम, जो कि लंबे समय से
हैप्पीनेस को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं, वो आए और उन्होंने विशेष रूप से आर्ट ऑफ थिंकिंग और थॉट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, जो कि एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी काम होना बाकी है अभी इंडिया में। मैं समझता हूँ कि ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत बेहद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमारे जो ऑडियंस हैं इससे निश्चित ही फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.